सर्टेंटीज, आई होप आपको पिछले वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अटेम्प्ट कर लिए हो। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहते हैं क्वेश्चन 4? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, क्या इसका HCF 9 दे रखा है? फाइंड LCM। हम आपको क्या निकालना है? LCM। HCF दे रखा है, LCM निकालना है। HCF है 9, LCM निकालना है। एक बात जानो, जब हमारे को HCF या LCM से कोई भी एक चीज गिवन हो और दूसरी चीज निकालनी है, यानी दूसरा नंबर निकालना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? HCF into LCM is equals to product of two numbers. HCF 9, LCM I don't know. दो नंबर्स क्या है? 306 into 657. सॉल्व करने के लिए डिवाइड में भेज दो, ये जाएगा 34 पे, तो इसका आंसर आएगा 22338. नाउ अब इसकी बारी है, वीडियो को पॉज करो, एक बार इस एग्जांपल को अटेम्प्ट करो। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो एग्जांपल नंबर 7 है, एंड न्यू बुक्स है तो एग्जांपल नंबर 1 है, 1 1 2, इट शुड बी 3 नॉट 1, तो एग्जांपल नंबर 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या कहते हैं? फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। HCF निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा जो हम करते हुए आ रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालो इन दोनों का, कैसे करें? सबसे पहले 96 के फैक्टर्स करिए, 248, 224, 212, 26, 23, 31. तो क्या बने? 2 into 2 into 2 into 2 into 1, 2, 3, 4, 5 into 3, यानी 2 to the power 5 into 3. और 404 के करते फैक्टर्स, आइए 404 के हो जाएंगे 2, 202, 2, 101. ये हो गया मेरा 404 के 2 into 2 into 101, which is 2 to the square into 101. अब HCF निकालो। HCF कैसे? कॉमन ले लो, कॉमन क्या? एक तो 2 है और एक और 2 है। HCF क्या आ गया मेरा? HCF आ जाएगा 2 into 2, यानी 4, राइट? अब इसके बाद स्टूडेंट मिस्टेक करने वाला है। क्वेश्चन ने आगे बोला हेंस फाइंड देयर LCM, क्या करो? LCM निकालो। स्टूडेंट क्या करेगा यहाँ? नॉर्मली LCM निकाल देगा। नो, जब मैथमेटिक्स में हेंस यूज होता है बेटा, हेंस का मतलब होता है पिछले का यूज करके अगला निकालो, यानी HCF का यूज करके LCM निकालो, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो क्या करे सर? फॉर्मूला लगा दो, HCF into LCM is equals to product of two numbers. HCF is 4, LCM I don't know. दो नंबर्स क्या है? 96 into 404. डिवाइड में भेजो, LCM 96 into 404 अपॉन में 4 कट गया, 96 into 101 क्या जाएगा? 9696. एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी ट्रिक क्या है कि 101 को कोई भी टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी, लेट से 23 से करा, आंसर डबलेट बन जाएगा, यानी वो नंबर दो बार लिखा जाएगा, 2323. अब इसके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ध्यान से कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी नोट्स बताएंगे, बट फिलहाल ये जो नोट लिखवा रहा हूं ध्यान से इसे समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको मैक्सिमम या स्टैक
स्टैक किसको बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं लाइंस लगाने को, जिससे आपने अक्सर देखा होगा बर्फी होती है, बर्फी या आपकी मिठाई का डब्बा होता है उसके अंदर लाइंस लगी होती है मिठाइयों की, राइट, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। आपके इसके अलावा बुक शेल्फ पे जो बुक्स रखी जाती है दैट इज स्टैकिंग। तो मैक्सिमम स्टैक या अरेंजमेंट, जब भी ये वर्ड्स बोल दे तो इट मीन्स वहां हमारा एचसीएफ निकलेगा, मिनिमम। मैं इसके एक चीज लिख रहा हूं, इसके आगे एक वर्ड लिख रहा हूं नॉट कंपलसरी, अभी बताऊंगा ये क्यों लिखा मैंने। या आपको बोल दे कॉमन मीटिंग पॉइंट, कॉमन मीटिंग पॉइंट, तो वहां हमारा एलसीएम निकलता है। अब मैंने एक वर्ड लिखा मिनिमम के नीचे नॉट कंपलसरी या नॉट नेसेसरी, ऐसा क्यों लिखा? बेटा कई बार क्वेश्चन में मिनिमम बोलता है पर निकालना एचसीएफ होता है। अभी मैंने क्या बोला? मैक्सिमम बोला तो एचसीएफ निकालो, मिनिमम है तो एलसीएम, बट हर बार श्योरिटी नहीं है। सर हमारे को कैसे पता लगेगा कि अब क्या करेंगे? मैंने कहा बेटा क्वेश्चन आगे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो फिलहाल अभी एनसीईआरटी के लिए इतने पॉइंट को समझो कि मैक्सिमम है या स्टैक्ड है या अरेंजमेंट है तो एचसीएफ, और अगर कॉमन मीटिंग पॉइंट है तो एलसीएम। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का, पढ़िए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने के, यानी मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है, सोनिया को एक राउंड लेने में 18 मिनट्स का टाइम लगेगा। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को 12 मिनट लगेंगे, यानी जो काम सोनिया 18 मिनट्स में करेगी वो काम रवि 12 मिनट्स में कर देगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट, मान लो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हाँ जी, तो क्या करेंगे हम? बेटा एक बात ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा कि कितनी देर बाद दोनों दोबारा मिलेंगे, कॉमन क्या हो गया, कॉमन मीटिंग पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। तो जब मिल रहे हैं तो क्या एलसीएम, क्या निकालूंगा? एलसीएम। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आया। तो 18 के फैक्टर्स करो, 2 × 3 × 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर्स, 2 × 2 × 3, 2 का स्क्वायर × 3, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की बड़ी पावर 2 और 3 की बड़ी पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर विच इज 36। तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। अब कैसे इस बात को समझते हैं, ध्यान से अब देखना कॉन्सेप्ट ये कैसे बना। हमने क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ ही लिया, देखिए ये है सोनिया ये है रवि, सोनिया को फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में कितनी देर लगेगी? फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट्स, राइट। ये हो गया फर्स्ट राउंड, एक राउंड ये करेगा 12 मिनट में, ये करेगा 18 मिनट में। अगला राउंड कंप्लीट करने में 36, यानी 36 कैसे, मतलब 36 मिनट्स हो चुके होंगे तब तक टाइम, और रवि 24 मिनट्स। थर्ड राउंड पे सोनिया के 54 मिनट्स हो जाएंगे और रवि के 36। खुद बताओ किस कितने मिनट पे जाके दोनों मिल रहे हैं? ये टाइम है, टाइम ये मिनट्स है, ध्यान से देखो।
कितने मिनट पे जाके दोनों एक साथ एक जगह पर होंगे, 36 पे, राइट। हाँ, बट एक जो पॉइंट है कि सोनिया उस समय सिर्फ 2 राउंड्स ले पाएगी जबकि रवि उतने में 3 राउंड्स ले पाएगा, तो ये एक पॉइंट था। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में बेटा, ये है ओल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड सेम विद दिस वन, ओल्ड एनसीईआरटी। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. एक army contingent है जिसमें कितने हैं, 616 members हैं, उसको मार्च करना है 32 members के पीछे। The two groups are to be marched in the same number of columns. दोनों groups में क्या होने चाहिए, same number of columns होने चाहिए। What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं, फालतू दिमाग मत लगाना। वर्ड आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या करेंगे हम, एलसीएम, माय बैड, मैक्सिमम में हम करेंगे एचसीएफ। क्वेश्चन 3, ओल्ड एनसीईआरटी। फैक्टर्स कर दो, आई गेस स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है तो कर ही देते हैं। 616 एंड 32 के तो इजी है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। HCF क्या हो जाएगा मेरा, HCF हो जाएगा मेरा 2 दूसरा और तीसरा, तो 2 × 2 × 2 = 8, यानी 8 के कॉलम्स हम बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार ट्राई करिए राइट नाउ, वीडियो को पॉज करके। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। एक स्वीट सेलर के पास क्या है, 420 काजू बर्फीज है, ओके okay? एग्जाम्पल 4, ओल्ड एनसीईआरटी। काजू बर्फी कितनी है, काजू बर्फी 420 है, 130 है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, वो उसको क्या करना चाहती है, स्टैक यानी लाइंस लगाना चाहती है, ओके okay? And they take up the least area of the tray, ताकि area क्या हो जाए, minimum। अब आप बोलोगे minimum है सर, निकाल दो LCM। Wait, पहली question ने बोल दिया stack, stack का मतलब क्या है, lines यानी arrangement, arrangement मतलब CF। What is the maximum number of burpees that can be placed in each stack? Maximum कितनी burpees हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, 420 के फैक्टर्स करते हैं, 130 के करते हैं, 420, 2 × 2 = 2, 105, 335, 571, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 का स्क्वायर 3 × 5 × 7, 130, 265, 5, 13, 2 × 5 × 13,
अब HCF क्या देगा, 2 एंड 5 ये आंसर था। अब आएगी नेक्स्ट वैरायटी